हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो छठ का संध्या वाला ब्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया होगा, जो शाम का अर्घ वाला होता है। तो ये है मॉर्निंग का और 4 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी भी रेडी हो चुकी हूँ। तो दिखाते हैं आज का ब्लॉग। कल ये देखे बैठने नहीं दे रहा था। देखिए हम लोग सुबह सुबह छठ घाट के लिए निकल रहे हैं। मम्मी की तबीयत डाउन हो गई है, चलते हैं जल्दी जल्दी, सूरज भगवान निकले। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और हमारे साथ जो मामी जी हैं वो हैं, मतलब सब लोग साथ में गए हैं। और यहाँ पे है अमेठी मंदिर, आप लोगों ने तो ब्लॉग देखा ही होगा और कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। तो यक्षों को नहीं लाए हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, उनको उनके दादू के पास सुला के हम लोग निकल गए और चलते हैं घाट पे और पूजा करते हैं। इतना अच्छा ना पॉजिटिव वाइब्स आता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे छठ माता को हम लोग सजा रहे हैं, फल वल रख के, माला चढ़ा के। और यहाँ पे घी वाला जो रस्म होता है ना, जो होता है छठ माता की, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब शादी के पहले ही देखती थी तो सोचती थी वाह कितना सुंदर है ये। ये मम्मी मुझे लगा रही है और सुहाग का जो भी चीज़ होता है ऐसे होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी मुझे ऐसे सुंदर लगा रही है, मम्मी ने लगाया हुआ है। तो आप तो देखिए कितनी ज्यादा रोशनी हो चुकी है सुबह और ये देखिए लड़ाई वाली गैंग सभी बढ़ता है। तो ये है हमारी गैंग जो मिलती है फेस्टिवल में जब मैं आती हूँ तब, तो बहुत ही अच्छा लगता है इन लोग के साथ। तो जब भी मैं आती हूँ तो मेरे ब्लॉग में ये लोग दिखती हैं। और यहाँ पे देखिए उजाला हो चुका है, तो अर्घ का टाइम हो गया है और इतनी ज़्यादा भीड़ और इतने ज़्यादा लोग इस फेस्टिवल को करते हैं। जाओ हर्ष वीडियो बनाने। बना दो Thank you.
भाभी ए भाभी रुक जाओ, रुक जाओ। इधर देखो तो एक पीटे लग रहा है हमसे अभी तो यहाँ पे पूजा होने के बाद सबका पैर वर्ष के बाद फिर हम गए अमेठी मंदिर जो माता जी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने के लिए ये है अमेठी माता मंदिर तो यहाँ पे दुकान वगैरह मतलब खाने पीने की चीजें लगी हुई है और इतने ज्यादा मंदिर में भीड़ है जितने लोग आए हैं सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं भी गई यहाँ पे और अंदर का आप लोगों को कभी और दिखाएंगे माता जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर सा है और बस अब हम लोग चलेंगे घर क्योंकि मम्मी को करना है पारण तो घर पे जाके करेंगे। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो ऐसे ऐसे जो हमारे इंडियन फेस्टिवल है रिचुअल है वो सब आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे मैं पतिदेव के पैर छू रही थी और ये आ गई मैं मम्मी के घर। तो यहाँ पे नानी जी का आशीर्वाद लेने के लिए मम्मी आई तो बोली तुम भी चलो तो बस हम लोग यहाँ पे आए थे आशीर्वाद लेने। ये देखिए अक्षत किसको कैप लगाई दादू का दादू सरप्राइज दे दो इधर आओ पहले जब इसका नोजी पोछ हुई दादू को दे दो उसकी नोजी को देखो हाँ आज के लिए छोड़ दिया हेलो यहाँ पे घर पे आके मुझे मिले गर्मा गर्म समोसे जो कि यहाँ के बहुत ही अच्छे टेस्टी होते हैं अमेठी मंदिर के ही। फिर मैंने बनाया लंच मतलब मम्मी का जो भी खाने का था तो ये कद्दू है जो प्रसाद में चढ़ता है छठ माता को उसकी सब्जी और जो चने वगैरह चढ़ाए जाते हैं तो मम्मी ने बोला इसकी सब्जी बना दो तो उसकी सब्जी बनाई थी दाल चावल सब्जी और पकौड़े वगैरह। फिर यहाँ पे शाम के टाइम मम्मी के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था फिर मैंने इनका थोड़ा सा तेल मालिश किया सिर में पैर वगैरह फिर इन थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मम्मी को। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और ये है डिनर का टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।